हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्रांसप्लांट के कंसल्टेशन में पेशेंट को रहता है कि डॉक्टर, सभी हमने कंसल्टेशन करवा लिया, वी आर हैप्पी विथ योर कंसल्टेशन, और हमने आपके बिफोर आफ्टर के भी रिजल्ट देखे, पेशेंट के साथ बात भी कर लिया और उनको लाइव पर्सनली वीडियो कॉल भी किया। अभी प्रॉब्लम है हमको वेदर का, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हमको बारिश के मौसम में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बोला है कि वो सीज़न सही नहीं है, किसी ने बताया कि गर्मी के मौसम में नहीं करा सकते, तो किसी ने बताया कि ठंडी के मौसम में नहीं करा सकते। ये हर सीज़न वाइज किसी ना किसी पेशेंट का ऐसा एक्सक्यूज़ और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आज मैं आपको ये इंफॉर्मेशन डिकोड करने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा वलाला, अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन FUE फ्रॉम इस्तानबुल तुर्की। तो ये काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है पेशेंट्स में कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन सी सीज़न में बेस्ट है। अभी मैं आपको बेसिक साइंस के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उस स्लीट में हम हेयर इम्प्लांट करते हैं, वो इम्प्लांट करने के बाद उसके जो स्टेम सेल्स है सराउंडिंग स्किन के साथ अटैच होना चाहते हैं और धीरे धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ड्यूरिंग ये टाइम पे जितना भी कम से कम स्वेटिंग हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वेटिंग जो होगा उसी की वजह से वहाँ पे प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो यस फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्वेटिंग अवॉइड करना है। तो ये जो इम्प्लांटेशन का इनिशियल प्रोसेस है वो फर्स्ट 3 डेज में स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद कोई स्वेटिंग की वजह से इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे समय पे करना चाहिए, आप जो भी जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है, जिसमें आप परफेक्टली 3 दिन तक रेस्ट कर सको, आपको स्वेटिंग ना हो, वैसे एटमोस्फियर में करवाना चाहिए। वो इरिस्पेक्टिव हो कि समर का सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है या सर्दी का मौसम या बारिश का मौसम चल रहा है, कोई भी मौसम चल रहा है, आप सिर्फ 3 दिन आराम से घर पर रह सको जहाँ पे आपको स्वेटिंग ना हो, वैसे सीज़न में और वैसे टाइम पे आपको कराना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है और उसकी वजह से आप हेयर ट्रांसप्लांट स्टॉप कर रहे हो, तो ये सब आप निकाल दो और ये आप टाइम ढूंढो कि कौन से 3 दिन आप आपकी बिजनेस लाइफ या ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल लाइफ से निकाल सकते हो और ईजीली आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। तो ये चीज़ आपको खास नोटिस करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके दोस्तों ने क्या बताया, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ 3 दिन आपको निकालना है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज़। थैंक यू।